नमस्कार किसान भाइयों, ये है फार्म टेक पावर का 60 ट्रैक्टर, जो कि आप देख सकते हैं इसका आगे से लुक काफ़ी अच्छा लुक है और इसमें जो है स्टिकर का ब्रांडिंग नहीं लगा हुआ है, जो कि 3D लुक में जो है इसमें दिया हुआ है डिज़ाइन, जो कि ट्रैक्टर को और भी काफ़ी खूबसूरत बनाता है। इसका हेडलाइट जो है देख सकते हैं LED वाला हेडलाइट है, जो कि काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन देगा बत्ती बारने में करते समय लुक। और इधर देख सकते हैं आप जो है साइड में जो दिया हुआ है इसमें जो है ट्रैक्टर में 20 गियर दिया हुआ है, 20 गियर स्पीड, जो कि इस ट्रैक्टर को काफ़ी बेहतरीन और ख़ास बनाता है अपने श्रेणी में। और इधर देख सकते हैं आप जो है इसमें डबल एक्टिंग वाला पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है, जो कि काफ़ी कम जगह में भी घूम जाए, और जो है इसमें एडजस्टेबल एक्सल दिया हुआ है, जिससे कि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकें। और यहाँ पे देख सकते हैं फुटरेस्ट दिया है चढ़ने के लिए काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ, जो कि आपको काफ़ी आरामदायक हो चढ़ने में। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला लीवर है और इसमें 3 गियर लीवर दिए हुए हैं, ये जो है पहला गियर लीवर है, उसके पीछे ये दूसरा गियर लीवर है देख सकते हैं इधर, और उधर देखेंगे ये जो है तीसरा गियर लीवर है। इसमें पूरे जो है 3 गियर लीवर दिए हुए हैं कंपनी ने, जो कि ये काफ़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर है 20 गियर वाला। और इसमें जो है काफ़ी देख सकते हैं यहाँ पे जो कंपनी ने मैट वैट लगा कर दिया है, जिससे कि कोई कचरा हो तो साफ कर ले। और इधर प्लास्टिक का जो है हीट गार्ड लगाया हुआ है, जो गाड़ी गर्म हवा फेंके तो जिससे कि आपके पैर पे लगे ना, इसलिए कंपनी ने यहाँ हीट गार्ड लगाया है। देख सकते हैं इधर भी काफ़ी इसका बेहतरीन लुक है, यहाँ पे दिया है कंपनी ने, कोई एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंट आप एडजस्ट कर सकते हैं। और देख सकते हैं इधर से इसका लुक बेहतरीन लुक के साथ इस ट्रैक्टर को कंपनी ने लॉन्च किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा किसान भाइयों। ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया है कुछ इम्प्लीमेंट, आप चाहें तो इसमें एडजस्ट करवा सकते हैं, जिसके लिए कंपनी ने यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, जो कि इम्प्लीमेंट आप जोड़ सकते हैं इसमें। वहीं देख सकते हैं इसमें वाटर सेपरेटर लगा हुआ है, जो कि आपको पंप को काफ़ी लंबे समय तक अच्छा रखे। और हम बात करते हैं इसके इस इंजन के ट्रैक्टर के बारे में, इसमें जो है कंपनी ने 55 HP का इंजन दिया हुआ है, जो कि 3443 CC का इंजन है, जो कि 1800 रेटेड RPM पे काम करता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन इंजन है। देख सकते हैं यहाँ पे पावर मैक्स का ब्रांडिंग भी लगा हुआ है बेहतरीन लुक के साथ, जो कि 3D लुक में इसका स्टिकर दिखने में लग रहा है, और इसमें जो है 3D लुक वाला स्टिकर दिया हुआ है। इधर से देख सकते हैं फार्मटेक का भी काफ़ी बेहतरीन से डिज़ाइन किया है कंपनी ने। और इधर देख सकते हैं इसका जो है बैटरी बॉक्स भी पर भी डिज़ाइन बना हुआ है, वहीं पर देख सकते हैं इसमें जो है लगा है जो है माइक्रो बॉस कंपनी का इनलाइन पंप, और इसमें जो है उसके नीचे लगा हुआ है डीजल फिल्टर। और आप इधर देख सकते हैं इधर भी कंपनी ने हीट गार्ड लगाया हुआ है, और यहाँ पे जो है कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया है, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा है। और वहीं देख सकते हैं इसमें जो है कंपनी का हैंड ब्रेक जो है वहीं पे लगा हुआ है, नीचे देख सकते हैं वो हैंड ब्रेक है। और इधर देख सकते हैं F41 का स्टिकर भी लगा हुआ है। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं इधर टायर साइज, इसका अगला टायर साइज जो 7/50/16 का अगला टायर साइज है कंपनी ने दिया, उसका रिंग भी काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ आता है, और कलर भी काफ़ी अट्रैक्टिव कलर दिया हुआ है। आइए पिछले टायर का बात करते हैं, इसमें जो है 16/9/28 का टायर साइज है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये बोनट ओपन करने के लिए दिया हुआ है, और इसमें बम्पर भी काफ़ी मजबूत कंपनी ने लगाया हुआ है। इसका एक्सल भी काफ़ी दाते वाला मजबूत एक्सल है, और आगे से इसका जो है लुक देख सकते हैं बहुत बेहतरीन लुक है इस ट्रैक्टर का, जो कि इस ट्रैक्टर को कलर भी काफ़ी खूबसूरत है, 3D
लुक स्टिकर के साथ इस ट्रैक्टर को कंपनी ने लॉन्च किया है। उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर भी इस ट्रैक्टर में है, जो कि इसका सबसे बेहतरीन फीचर है 20 गियर बॉक्स, जो कि बेहतरीन बनाता है इसको। इसका जो है फॉरवर्ड टॉप स्पीड जो है 35 पर हावर्स का स्पीड है, जो कि बेहतरीन लुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और आइए देखिए, इधर से आपको दिखाते हैं, ऊपर चलकर देख सकते हैं इधर से इसका स्टेयरिंग का लुक कुछ इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट क्लच दिया हुआ है, इसमें जो है डबल क्लच लग दिया हुआ है कंपनी ने। पीटीओ का क्लच अलग है और ट्रैक्टर का मेन क्लच अलग है। अब देख सकते हैं ये लो हाई का लीवर है, और इधर एक लीवर और दिया हुआ है, जो कि कुल इसमें बता रहे थे 3 लीवर दिया है कंपनी ने। और ये जो पीछे देख सकते हैं, देख रहे हैं इंडिपेंडेंट पीटीओ का गियर लीवर है दिया हुआ है। और इधर देख सकते हैं ये मेन जो है गियर लीवर दिया हुआ है, और वहीं नीचे डीसी पॉइंट दिया हुआ है, जिसे डीसी पीसी पॉइंट बोलते हैं। और देख सकते हैं इधर से पीछे से लुक कुछ इस प्रकार का। सीट भी काफ़ी अच्छा सीट है, आरामदायक चलाने में, जो कि काफ़ी लंबे समय तक ट्रैक्टर को ऑपरेट कर सके, जो कि बेहतरीन डिजाइन और आरामदायक सीट के साथ आता है। इधर से स्टीयरिंग का लुक कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। और इसका डैशबोर्ड वही पुराने लुक के साथ बेहतरीन वाला डैशबोर्ड दिया हुआ है, जो कि सारे चीज़ इसमें जो है दर्शाता है। डैशबोर्ड का भी लुक काफ़ी अच्छा है, पुराने लुक के साथ है, देख सकते हैं। इधर उस पर देख सकते हैं केयर बटन का जो है ब्रांडिंग भी लगा हुआ है इसमें, इस सिस्टम में, इस ट्रैक्टर में केयर बटन भी दिया हुआ है, जो कि बेहतरीन फीचर के साथ आता है। और इधर देखिए ये जो है ट्रैक्टर अपने हिसाब से बहुत बेहतरीन कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे वही पार्किंग लाइट देख सकते हैं, जो है साइड इंडिकेटर काफ़ी अच्छा उसको भी दिया है। और इधर से देख सकते हैं पीछे वाला रिंग काफ़ी बेहतरीन है, और फंडर में जगह भी काफ़ी बेहतरीन दिया हुआ है ट्रैक्टर ने। पीछे से आई देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस प्रकार से है, जो कि बेहतरीन EPI हब रिडक्शन के साथ आता है, जो कि हैवी ड्यूटी कामों के लिए बेहतरीन माना जाता है। जो लंबे बड़े वजनी काम के लिए और हैवी ड्यूटी रोड पर चलने के लिए इसे इस एक्सल को बेहतरीन परफॉर्मेंस में माना जाता है। और यहाँ पे हिच जो दिया हुआ है, इस हिच को आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें भी एडजस्टेबल दिया हुआ है, जो कि अपने काम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके किसान भाई इसे। और वहीं इसका लोअर लिंक भी देख सकते हैं, काफ़ी मजबूत दिया हुआ है एडजस्ट करने के लायक, जो कि ऊंचाई निचाई अपने सजेस। इसमें डबल अजनबी वाल भी दिया हुआ है MB प्लाव और ट्रॉली वाली चलाने के लिए। इसमें 3 लिंकेज दिए हुए हैं, जो कि टॉपलिंग लगाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मजबूत जो है इसमें दिया हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जगह दिया हुआ है फंडर को इधर उधर करने के लिए, जिससे कि आप कहीं मिट्टी वाला काम करते हैं, जिससे कि फंडर में कोई मिट्टी फंसे वसे ना, आप इसे चाहे तो इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इस ट्रैक्टर को काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ कंपनी ने लॉन्च किया है, और अपने हिसाब से कंपनी ने इसमें बहुत कुछ का बदलाव किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो किसान भाई लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।